हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे फैट की फिश। बहुत ही यम्मी और टेस्टी ग्रेवी के साथ बन के तैयार होती है दोस्तों। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फिश ले लेंगे और फिश को अच्छे से हमने साफ कर लिया धो के, और इसे हमने पानी जितना है वो भी निकाल दिया अच्छे से। और साथ में हमने यहाँ पर ऐड कर रहे हैं नमक, और एक चम्मच हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। नमक और हल्दी का हम फिश में अच्छे से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। अगर आपको फिश फ्राई करने में डर लगता है तो आज के वीडियो आपके लिए है, ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। हमने दोस्तों यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ले लिया, कम से कम 6 से 7 टेबलस्पून होगा, और गैस को हमने लो फ्लेम पर रखा। इसमें हमने फिश ऐड कर दिया और ऊपर से हम ढक्कन ढक के इसके 2 से 3 मिनट तक मीडियम आँच पर इसे पकाएँगे। और ये देखिए, हमने 2 से 3 मिनट के बाद ढक्कन खोल के इसमें फ़िश जो है हमने पलट दिया। फ़िश जल्दी फ्राई हो जाती है, इसे टाइम नहीं लगता है ज़्यादा। फ़िश को हमने पलट दिया 1 मिनट के लिए, और हम ढक देंगे और मीडियम आंच पर इसे पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला और फ़िश हमारा फ्राई हो चुका है दोस्तों। इसे ओवर कुक नहीं करना है वरना इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। फ़िश फ्राई हो चुका, हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। यहाँ हमने सारे फ़िश को निकाल दिया एक प्लेट में, और फ्राई पैन में हमारा जो फिश का ऑयल बचा वो हमने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया। यहाँ पे हमने 1 चम्मच कलौंजी और 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया, और इन मसाले को हम मीडियम आंच पर दोस्तों 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे इसे। अब इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका, और हम यहाँ ऐड कर रहे हैं हल्दी पाउडर 1 चम्मच, 2 चम्मच हमने कश्मीरी चिल्ली पाउडर ऐड किया, 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया, 1 चम्मच हमने जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया। अब इन सारे मसालों को हम भून लेंगे अच्छे से 2 से 3 मिनट तक। और जैसे थोड़ा मसाला भून जाए उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर। ये 1 टमाटर है मीडियम साइज़ का टमाटर, उसे हम अभी ऐड कर दिया। इसे भी हम चला लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और हम ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। पानी को हमने अच्छे से मिला लिया, और यहाँ हम ऐड कर रहे 2 चम्मच दही। दही आप कोशिश कीजिएगा फ्रेश दही ले, ज़्यादा खट्टा दही मत लीजिएगा। ज़्यादा खट्टा दही लेने से आपका ग्रेवी जो है वो खट्टा हो जाएगा। और यहाँ हमने मिला लिया दही को, 3 से 4 मिनट के लिए इसे ढक देंगे, और 3 से 4 मिनट के बाद हमने इसके ढक्कन खोला, इसे मीडियम आँच पर पकाया दोस्तों। मसाले का दोस्तों तेल जो है वो ऊपर रिलीज होने लग गया, तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने स्पाइसी के लिए 4 से 5 हमने रेड चिली ऐड किया। ये रेड चिली कच्चा वाला ही है, तो इसे हम मिला लेंगे अच्छे से। तेल हमारा जो है रिलीज होने लग गया, तो मसाला हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पे हमने 1 ग्लास पानी ऐड किया, आप चाहे तो इसे कम भी ऐड कर सकते हैं। और इन्हें हम अच्छे से चारों तरफ से चला के इसमें मिला लेंगे अच्छे से। देखिए, जो रेड चिली हमारा बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मुझे तो ये बहुत पसंद है इस तरह का मिर्च। और दोस्तों ग्रेवी में हम एक उबाल आने देंगे। ग्रेवी में उबाल आ चुका, अभी जो हम फिश फ्राई करके रखा वो हम ऐड कर देते जाएंगे इसमें। ये फिश जो है दोस्तों बहुत ही सॉफ्ट फिश होता है और बहुत ही डिलीशियस फिश होता है दोस्तों। ये इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो हमने सारे फिश जो है इसमें ऐड कर दिया। फिश को हम 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे इसे। और इसे पकते हुए दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुका। हमने यहाँ पे फ्लेवर के लिए थोड़ा धनिया ऐड किया, और देखने में भी सुंदर लगता है। इसे भी हम अच्छे से चला लेंगे, और हम साथ में ऐड करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला। बस मसाले को अच्छे से हम मिला लेंगे इसमें, और ये हमारा डिलीशियस और यम्मी फिश करी जो है रेडी हो चुका है दोस्तों। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इसे ज़्यादा नहीं उबालेंगे, और इसे हम रेस्ट करने देंगे 10 मिनट तक। उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे दोस्तों, और ये देखिए 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला, कितना यम्मी लग रहा है देखने में फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।